जय श्री राम मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम पुनः अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण की वर्तमान परिस्थिति की विशेष जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे कि कितना हुआ है अब तक राफ्टिंग का कार्य तथा कब तक होगा राफ्टिंग पूर्ण, क्यों है मंदिर का निर्माण का यह सबसे कठिन समय, मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की नवीन जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के नींव निर्माण का विशेष कार्य हो रहा है। तथा जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नींव निर्माण में 48 लेयरों के ढालने के पश्चात इसके द्वितीय चरण में अब राफ्टिंग का कार्य हो रहा है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंदिर निर्माण के लिए निर्माण स्थल पर बने 400 फुट लंबे और 300 फुट चौड़े क्षेत्र में इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल से 48 लेयरों के चट्टान की ढलाई कर नींव का निर्माण किया गया है, जिस पर की राफ्टिंग का निर्माण अब लगभग 17 भागों में बांटकर किया जाना है, जिसके लिए पहले प्लाई के टुकड़ों से प्रत्येक ब्लॉक के शटरिंग का कार्य किया जाता है, तत्पश्चात उसमें ढलाई होती है। तथा बता दें कि ढलाई का कार्य सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह की दिशा से किया जा रहा है, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें कि श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर चल रहे राफ्ट की ढलाई बीते 1 अक्टूबर से आरंभ हुई है तथा यह कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अब तक मंदिर निर्माण के लिए तैयार किए गए फाउंडेशन पर 17 ब्लॉकों में विभक्त कर इस कार्य को बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता लेकर के ढलाई किया जा रहा है, जिसमें कि अब तक 7 ब्लॉक की ढलाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। मौसम की अनुकूलता को देखते हुए यह कार्य रात्रि में ही किया जा रहा है। एक राफ्ट से दूसरे राफ्ट की ढलाई के लिए 2 दिन का समय लग रहा है, जिसे कि 15 नवंबर तक पूरा किए जाने की तैयारी है। बता दें कि वर्तमान समय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्य ही किया जा रहा है, जिसमें कि मौसम और तापमान की बड़ी भूमिका होती है। इस समय राफ्टिंग का कार्य चल रहा है और इसको 17 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे कठिन यह है कि दिन में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि इस कार्य के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान होने की आवश्यकता है, जो कि रात्रि में ही मिल पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणों को सीधे राफ्ट पर पड़ने नहीं दिया जा सकता है। बताया गया है कि अपनाई जा रही विधि से राफ्ट के मसाले का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बरकरार रहेगा और बाद में राफ्ट में दरार आने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त राम मंदिर निर्माण स्थल पर उत्खनित क्षेत्र में इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल से निर्मित चट्टान के चारों ओर मिट्टी भराई का कार्य भी चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भविष्य में इस क्षेत्र में लैंडस्केपिंग इत्यादि का निर्माण कर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। वर्तमान में ब्यूटिफिकेशन की प्रक्रिया मंदिर निर्माण के बाद होगी, क्योंकि प्लिंथ निर्माण के समयावधि में पत्थरों की ढुलाई क्रेन के माध्यम से होनी है और उस समय उत्खनित क्षेत्र के चारों ओर क्रेन संचालित करने के लिए इस क्षेत्र को पाथवे के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके कारण मिट्टी पटाई कर रोलर चलाकर उसे भी ठोस बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि राफ्ट की फाउंडेशन का काम अक्टूबर से नवंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है तथा नवंबर 2021 से ही तीसरे चरण के अंतर्गत मंदिर के बेस प्लिंथ का काम पत्थरों से आरम्भ किया जाएगा तथा बेस प्लिंथ की ऊंचाई लगभग 15 फुट की होगी। इसी के पश्चात मंदिर की 6 फीट ऊंची फर्श का कार्य आरंभ होगा। इसके लिए पहले मंदिर के चारों ओर ग्रेनाइट की 6 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जाएगी, जो बलुआ पत्थरों के अपेक्षाकृत अधिक ठोस और जिनकी डेंसिटी अधिक होती है। दीवार खड़ी होने के पश्चात उसके अंदर मिर्जापुर के पत्थर भरे जाएंगे, जिस पर कि राम मंदिर की फर्श का पूरा फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात मूल मंदिर का निर्माण अगले वर्ष अप्रैल 2022 से आरंभ हो जाएगा। वर्ष 2023 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन भी आरंभ हो जाएगा, जबकि वर्ष 2025 में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा
और उस समय तक अयोध्या की छवि और भाग्य दोनों ही परिवर्तित हो जाएगा। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए तीसरे चरण का कार्य नवंबर माह से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में ही मंदिर के प्लिंथ व बेस का निर्माण भी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पत्थरों की आपूर्ति का कार्य आरंभ भी कर दिया गया है। प्लिंथ निर्माण के लिए मिर्जापुर के 4 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी पत्थरों के 30,000 ब्लॉक लगाए जाएंगे और बेस निर्माण के लिए 4,500 स्क्वायर फुट में 10,000 से अधिक पत्थरों को लगाए जाने के लिए जसवंतपुर बेंगलोर से ट्रकों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर परिसर के 70 एकड़ में भी काम को मंदिर के पूरे निर्माण के साथ वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मंदिर के पूरे निर्माण में कुल 12 लाख घनफुट पत्थर लगेंगे तथा कार्यशाला में लगभग 45,000 घनफुट पत्थर पहले से ही तराशे जा चुके हैं। शेष पत्थरों को तराशने के काम में भी तेजी लाने के लिए मशीनों का प्रयोग भी होगा। मंदिर निर्माण में मिर्जापुर और राजस्थान के पत्थरों के अतिरिक्त संगमरमर और ग्रेनाइट का भी प्रयोग होगा एवं नदी के प्रवाह से बचाने के लिए मंदिर के किनारे मजबूत दीवार अर्थात परकोटा का भी निर्माण किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस स्थान पर यह सभी कार्य हो रहे हैं वहाँ पर मिट्टी की मजबूती कर दी गई है और इसे नींव का पहला चरण कहते हैं। सही में यह लैंड इम्प्रूवमेंट है जिसमें कि लगभग 1,80,000 घनफुट क्षेत्र में 50,000 गहरे गड्ढे करके पुरानी मिट्टी को हटा करके प्लेन कंक्रीट भरी गई है तथा उसको सड़क पर चलने वाले रोलर से दबाया गया है एवं 98% इसकी डेंसिटी भी निकाल ली गई है। यह बहुत ही उच्च कोटि की कंक्रीट है। ऊपर पानी डाल देंगे तो पानी अंदर भी नहीं जाएगा, धूप के कारण यह वापस चला जाएगा। साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदा एवं भूकंप की स्थिति में भी राम मंदिर सुरक्षित रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार वर्ष 2023 तक ग्राउंड फ्लोर अर्थात भूतल को तैयार करने के लिए सभी प्रकार के निर्माण कार्य को समयावधि में बांध कर तेजी से कार्य पूरा करवाया जा रहा है। अप्रैल 2022 में मुख्य मंदिर का काम राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से आरंभ होगा। मंदिर के राफ्ट की नींव पर फाउंडेशन को 5 फुट की ऊंचाई तक ले जाना है। जब से मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के मंदिर में स्थापित करने की समय सीमा तय कर दी है तब से मंदिर के निर्माण कार्य में और भी गति आ गई है। वर्तमान में मंदिर निर्माण में मशीनों की संख्या को बढ़ा करके 1 दर्जन कर दिया गया है और अब विशाल मशीनों से भी काम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त वर्ष 2020 को अयोध्या में पहुँच करके भूमि पूजन किया था। उसके पश्चात ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की समीक्षा समय समय पर की। ट्रस्ट ने जून वर्ष 2021 की बैठक में मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का कार्य पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2023 तय करने का घोषणा किया। इसके साथ ही इसी माह के अंतिम सप्ताह से गर्भगृह में रामलला को विराजमान कर दर्शन आरंभ करने की घोषणा भी कर दी गई है। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा रामलला को भूतल पर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा, तब श्रद्धालु मंदिर में ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे और इसी बीच मंदिर की ऊपरी मंजिलों का भी निर्माण कार्य चलता रहेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।